चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके बारे में जानेंगे, जो आपको हर तरह के मेडिकल एग्ज़ाम में, प्री मेडिकल एग्ज़ाम में, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर जगह आपका हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, मेरी चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या। एक ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है स्प्रेड ऑफ द कार्डियक इम्पल्स का, जो क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे हमारे हार्ट में जो इम्पल्स क्रिएशन होता है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो दिखाया जाता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन का यूज़ किया जाता है, कि जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको सबसे पहले रिकॉर्ड वाल्टर ने 1887 में किया था। उसके बाद इथोवेन नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में इसका रिकॉर्ड किया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया था। इसलिए इसे फादर ऑफ इलेक्ट्रोग्राफी भी कहा जाता है, इथोवेन को। तो हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को अच्छे से। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट जो चार भाग में बटा हुआ है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जो चार भाग में बटा हुआ है, इसमें जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है यहाँ ऐसे नोड के कारण, तो जो इम्पल्स ट्रैवलिंग इन न्यूरोमस्कुलर पथवे, मतलब न्यूरो मतलब नर्व्स होते हैं, मस्कुलर मतलब मसल्स, मतलब नर्व्स और मसल्स के बीच में जो वो पथवे, जो अपना यदि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो रास्ता है वो जो हो रहा है, हार्ट इज कंडक्टेड द वॉल ऑफ, दो हार्ट जो होता है वो क्या कंडक्ट करता है, वॉल ऑफ मस्कुलेचर, जिसका जो वॉल होता है काफ़ी ज़्यादा मसल्स वाला होता है, इसे मस्कुलेचर कहा जाता है, विच इज़ कंटेन एम्पलीफाइड एंड पार्ट ऑफ द लीक वाया द पेरिकार्डियम ऑफ द स्किन सरफेस। जो ये हार्ट हो गया, इसकी जो एक लेयर होती है, एक बाहरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जब यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो यहाँ लीक, जो ये बहुत सारे लीक से जो यहाँ पेरिकार्डियम में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो इलेक्ट्रिकल करंट होती है उसी को पिक्ट करते हैं, उसको पिक्ट कौन करते हैं, इलेक्ट्रोड के द्वारा पिक्ट किया जाता है और उसे एम्पलीफाइड करके वहाँ पर यानी कि ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ जो प्लॉट होता है उसे हम ECG कहते हैं। द लीक्ड करंट इज पिक्ड अप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एम्पलीफाइड ए टाइम वोल्टेज ग्राफ ऑफ द करेंट इज प्लॉटेड, विच इज़ कॉल्ड द ECG। तो टाइम के साथ जो टाइम वोल्टेज के साथ जो ग्राफ जो बनता है उसे हम कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कंपोनेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल ECG के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वेव्स होते हैं, पी वेव्स जो है, जैसे आप देखिए ग्राफ बना, यहाँ पे फिगर बनाते हैं, PQ, ये पी वेव है, ये QRST वेव है। तो पी वेव क्या है, इट रिप्रेजेंट द ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन विच इज़ फॉलोड बाय ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। इट्स फर्स्ट हाफ रिप्रेजेंट द राइट ऑरिकल एंड सेकेंड हाफ रिप्रेजेंट द लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ पे हार्ट बनाते हैं, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ये है राइट ऑरिकल, ये है ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल जो जहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। ऑरिकल को, आर्ट्रिया को हम हिंदी में अलय कहते हैं और वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। अलय मतलब जहाँ पे ऑक्सीकृत ब्लड होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे ब्लड में होते हैं, जो रेड ब्लड होते हैं। तो ऑरिकल डीपोलराइजेशन मतलब होता है एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। तो ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, विच क्या फॉलोड कर रहा है,
कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ ऑरिकुल में इसका मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि डीपोलराइजेशन हो रहा है। पी वेव दिख रहा है यानी कि वहाँ पे ऑरिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्टिव है, वो डीपोलराइज्ड है। जो पहला है यहाँ पे, ये दो भाग में बटे हैं, तो पहला जो है वो राइट ऑरिकुल दिखा रहा है, दूसरा जो है सेकेंड जो है वो लेफ्ट ऑरिकुल दिखा रहा है। जैसे ये नॉर्मल दिखा रहा है तो लेफ्ट ऑरिकुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल दिखा रहा है तो राइट ऑरिकुल नॉर्मल है, यानी कुछ डिफेक्ट दिखाएगा तो ये ऑरिकुल साइड डिफेक्ट है। तो ये जब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है पी वेव, तो पी वेव कर रहा है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन को रिलेट। अब देख रहे हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स को देख, तो QRS यहाँ पे बनाते हैं QRS वेव। तो QRS क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन विच फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रहे हैं, यानी कि वेंट्रिकुल के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहे हैं, वेंट्रिकल के एक्टिविटी को बता रहे हैं कि अभी वेंट्रिकल जो है वो एक्टिव है, वो ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो एक्टिव है अभी। तो ये बता रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, QRS जो यहाँ पे ये ग्राफ है वो बता रहे हैं हमारे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। टी वेव जो है उसके बाद जो यहाँ टी वेव बन रहे हैं वो टी वेव है। तो टी वेव इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ड्यूरिंग विद द वेंट्रिकुलर रिलैक्स। तो ये हमारे बताते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, मतलब ये रेस्ट में है, वेंट्रिकुलर अभी रेस्ट में है, वेंट्रिकुलर अभी रिलैक्स हो गया, तो ये टी वेव उसको बता रहे हैं। तो इसमें इंटरवल है जो है पी, यहाँ पे पी, तो P और Q के बीच का इंटरवल, इसके और इसके बीच का इंटरवल क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन स्टार्ट ऑफ ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये टाइम पीरियड है। उसके बीच का समय है, किसके बीच का समय है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच का समय है, जो कॉमनली कितना समय होता है, 0.16 जो टाइम होता है वो पी क्यू इंटरवल में होता है। दो एस और टी जो इंटरवल है, एस ये यहाँ पे S और T के बीच का जो इंटरवल है, टाइम पीरियड बिटवीन द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये किसके बीच का समय अंतराल है, ये है S और T के बीच का अंतराल। मतलब S मतलब यहाँ पे QRS में क्या था, यह वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था, और ये जो था T, ये जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स था। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रिलैक्स तक का जो टाइमिंग इंटरवल है वो S और T है। तो उसके बाद पी पी इंटरवल जो है, द इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव सिमिलर वेव डिनोटेड टाइम टेकन फॉर वन हार्ट बीट। तो पी और पी जो इंटरवल जब पूरा हो जाता है तो एक वन हार्ट बीट पूरा हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में 72 बार दी हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट होता है। तो इस सूची कितना बार, कितना फास्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वन पी पी इंटरवल का मतलब है, टाइम इंटरवल का मतलब है वन हार्ट बीट पूरा हो गया है। तो द इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव सिमिलर वेव डिनोट द टाइम टेकन फॉर द सेम हार्ट बीट, वन हार्ट बीट यहाँ पे हो रहा है। तो इस फिगर्स में आप समझ लेंगे, जो अभी हम पढ़े हैं उस फिगर से आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी है, पी में क्या हो रहा था, एक्टिवेशन हो रहा था आर्टिया का, पोलराइजेशन हो रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था यानी आर्ट्रिया का, आर्ट्रिया ये जो है राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये जो हो गया आपका, देखिए यहाँ ये इम्पल्स क्रिएट हो रहा है ये ऐसे नोड के द्वारा, एक्टिवेशन ऑफ आर्ट्रिया, यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे QRS जो था वेव वो एक्टिवेशन कर रहा है वेंट्रिकल का, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ का दिखा रहा है। और ये जो है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यहाँ पे देखिए ब्लड का यहाँ सर्कुलेशन कम हो गया है, रिकवरी हो गया, रेस्ट में है अभी, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो गया यहाँ पे। तो इस फिगर से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए नॉर्मल हार्ट बीट ये हो गया, फास्ट हार्ट बीट ये हो गया, स्लो हार्ट बीट हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट, नॉर्मल में ही नॉर्मल पी क्यू आर एस टी बना रहे हैं वेव, जो फास्ट में है वो तुरंत यानी कि फास्ट फॉरवर्ड की तरह ये पी तुरंत दिख रहा है। जैसे ये दोनों के बीच ये देखिए कितना इंटरवल है, इंटरवल कितना यहाँ पे दो, एक और इंटरवल में एक और पी क्यू आर एस बन गया, तो ये फास्ट है। स्लो में बहुत ही ज़्यादा अंतराल है, तो और इरेगुलर में इरेगुलरिटी है अंतराल का, यहाँ पे टाइम पीरियड का इरेगुलरिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे इरेगुलर है। तो नॉर्मल ये हो गया, ये अबनॉर्मल हो गया, ये अबनॉर्मल हो गया, ये अबनॉर्मल हो गया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके बताएँ और शेयर करें और लाइक करें और
हमारे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी जो काफ़ी आपके आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। तो कैसा लगा वीडियो हमें बताएं, कमेंट्स करके लाइक्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।